का छुप कारवार बाजौर एजेंसी सरहद पार से दहशतगर्दों का पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन जुनेद हफीज और सिपाही रहम शहीद हुए हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 8 से 10 दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। आईएसपीआर का ऐसा बताना है, फायरिंग के नतीजे में 4 जवान जख्मी भी हुए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाक फौज की सरहदी चौकियों पर हमले की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। मोस्तर कार्रवाई में 8 से 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 2 फौजी जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते खबर एजेंसी से मुल्हिका अफगान सरहदी इलाके से दहशतगर्दों ने वादी राजगार में पाक फौज की चौकियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। उस वाकये में 5 दहशतगर्द मारे गए जबकि पाक फौज का एक जवान शहीद हुआ था। आईएसपीआर के मुताबिक ऐसा ही एक और वाकया बाजौर एजेंसी में पाक अफगान सरहद पर रूनुमा हुआ। अफगान हदूद में कोई इंतजामी रिट न होने की वजह से दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में 8 से 10 दहशतगर्द हलाक और कई के जख्मी होकर भाग जाने की तस्दीक हुई है। फायरिंग के तबादले में कैप्टन जुनेद हफीज और सिपाही रहम शहीद हो गए जबकि 4 फौजी जवान जख्मी भी हुए। पाक फौज का कहना है कि अफगान हदूद में काबुल हुकूमत की अमलदारी न होने की वजह से दहशतगर्दों को ऐसी कार्रवाइयां करने में सहूलत मिल रही है।